सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे वोल्टास के 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के एसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी उसकी अनबॉक्सिंग, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कम्प्लीट और अनस्पॉन्सर्ड यहाँ पे रिव्यू। और यहाँ पे एक ट्रेजेडी भी हुई थी हमारे साथ यहाँ पे, तो हमने उसका कैसे सोल्यूशन निकाला वो भी मैं बताऊंगा आज। तो गाइज यहाँ पे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा और ये ट्रेजेडी शायद आपके साथ भी हो सकती है यहाँ पे अगर आप एक एसी लेने का सोच रहे हैं। तो गाइज उसके साथ यहाँ पे आपको कैसे डील करना होगा ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और गाइज आज की वीडियो में मैं इसके फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे इसके प्रोस तो बताऊंगा ही, और साथ के साथ यहाँ पे इसके कॉन्स भी बताऊंगा कि क्या हमें इसमें अंदर कॉन्स देखने को मिले इस एसी के अंदर। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और इस वीडियो के बाद आपको जरूर से जरूर पता चल जाए कि आपको इस एसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइस आपका और ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह हमारा एसी डिलीवर हो चुका था, और इसको मंगवाया था अमेजोन से। जो इसकी प्राइसिंग है अमेजोन पे 40,000 थी, बट क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर लगा के यहाँ पे 38,250 का कुछ पड़ा था। सो गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग के साथ यहाँ पे एसी मिल जाता, वो भी वोल्टास को। सो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक ऑफर है, और इस बजट में आपको देखने को मिल जाता है। और ये हमारा इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, और पर जो यहाँ पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है वो 5200 वॉट की मिल जाती है, जिसका मतलब आप समझ सकते हो 1.48 टन तक की यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो आप ये ना सोचे कि ये कम है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करें हम बाकी यहाँ पे एसी के साथ, सो इस बजट के अंदर यहाँ तक भी मैंने देखा है कि 1.42 टन 43 टन तक की यहाँ पे 1.5 टन में कैपेसिटी देखने को मिलती है अदर ब्रांड के एसी के अंदर। सो मैं यही कहूंगा कि हमारे वोल्टास में काफी अच्छी खासी यहाँ पे कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर। सो गाइज यहाँ पे आप देखना, ये हमारा आउटडोर यूनिट की अनबॉक्सिंग हो रही है, और हमारे आउटडोर यूनिट में से एक सामान मिसिंग होगा। सो वो कौन सा सामान है, सो ये अभी आप देखना कि जैसा कि आप देख पा रही है हमारा आउटडोर यूनिट यहाँ पे खुल चुका, और ये देख सकते हैं जो लाल पन्नी है इसके अंदर हमारी होती है कनेक्टिंग वायर, कॉपर वायर होती है, और वो हमारी इसमें मिसिंग है। तो गाइज हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे सोल्यूशन किया, सो मैं वो वीडियो के अभी आगे बताऊंगा। सो अभी मैं वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, जो यहाँ पे इसके अभी अनबॉक्सिंग को कंटिन्यू करता हूँ। सो ये देख सकते हैं हमारे गत्ता फुल्ली कवर्ड है, और ये आपका कवर्ड होना चाहिए जब भी आपकी यहाँ पे डिलीवरी होती है। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारा डैमेज वगैरह नहीं हुआ किसी भी प्रोडक्ट में, कहीं पे भी ना इंडोर यूनिट पे ना आउटडोर यूनिट पे। सो अब चलते हैं यहाँ पे हमारे इंडोर यूनिट में, और देखते हैं हमें इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें तो कोई चीज़ें यहाँ पे मिसिंग नहीं है, जैसे ही जिसमें हमारा देखने को मिलता है इसका स्टैंड वगैरह भी होता है। सो सबसे पहले इसकी चीज़ों को निकालते हैं, यूटिलिटीज़ वगैरह को जो हमारे एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो यहाँ पे एक पैकेट यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये देखने को मिल जाता है, और इसी में हमारा रिमोट वगैरह और वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिलता है। सो इसको भी खोल के यहाँ पे दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं ये हमारा रिमोट आ चुका है, सो रिमोट हमें देखने को मिल जाएगा ऐसा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये यूज़र मैनुअल या वारंटी कार्ड भी ये कह सकते हैं जो भी होता है इसमें। सो ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी, और यहाँ पे इसी के साथ कुछ कीले वगैरह मिल जाएंगी। सो ये देख सकते हैं बैटरी और कील दोनों ही मिल जाएंगे आपको। सो ये चीज़ें थी हमारे इंडोर यूनिट में, तो कोई भी यहाँ पे सामान मिसिंग नहीं है। सो इंडोर यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है इंडोर यूनिट की। तो अब बात करते हैं जो हमारा पार्ट मिसिंग है हमारे बॉक्स के अंदर से उसके बारे में। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग वायर या कॉपर वायर जो भी आप कह सकते हो वो बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिली थी, और उन्होंने मुझे ये अपना इशू बताया कि उनको वायर नहीं मिली है, जबकि यहाँ पे मेंशन था डिस्क्रिप्शन में कि वायर भी मिलेगी जो भी कनेक्टिंग वायर है। और यहाँ पे इसी दौरान उनके ठीक डिलीवरी के अगले दिन ही यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन टीम थी वो भी आ चुकी थी, बट यहाँ पे कॉपर वायर नहीं मिली थी बॉक्स के अंदर, तो फिर वो वापसी चले गए। तो मैंने इनको यही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे कस्टमर केयर को फटाफट से फोन करके अपना ये इश्यू रेज करें। और गाइज यहाँ पे इन्होंने इनको कस्टमर केयर को फोन करके यहाँ पे बताया, और क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना रखी थी, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज रही इनके लिए। सो इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे कनेक्टिंग या कॉपर वायर नहीं मिली है, सो उन्होंने ये फिर सजेशन दिया कि आप यहाँ पे जाके मार्केट से जो कॉपर वायर जो खरीदते हो वो खरीद लो, और जो भी उसका बिल होगा वो हमें सेंड कर देना, और जितना भी उस बिल का अमाउंट होगा वो उनके अमेजोन पे वॉलेट के अकाउंट में यहाँ पे भेज दिया जाएगा जो भी उनका अकाउंट होगा। सो गाइस उन्होंने सेम वैसे किया, उन्होंने मार्केट से जाके यहाँ पे कॉपर वायर खरीदी जो भी यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर मिलती है 3 मीटर के अप्रोक्स यहाँ पे, और उन्होंने उनका यहाँ पे उनको बिल भेजा ईमेल के थ्रू, फिर उन्होंने यहाँ पे जो उनका अमेजोन का अकाउंट था उनके अमेजोन पे अकाउंट पे यहाँ पे उतना ही बिल का अमाउंट यहाँ पे उन्होंने उनके अकाउंट में डाल दिया।
और जो गाइस यहाँ पे इंस्टॉलेशन टीम थी वो दोबारा आई, दोबारा उन्होंने इंस्टॉलेशन वगैरह करी, जो भी यहाँ पे उनका बेसिक चार्ज जो भी बनता था वो लेके, ऐसा नहीं कुछ दोबारा आने पे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, डबल चार्ज किया, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। यहाँ पे इसी वजह से मैं अमेजोन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे जो भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ सो अमेजोन से, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी कस्टमर सर्विस रहती है वो काफी बढ़िया रहा देखने को मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी थी, सो अब बात कर लेते इसके बाकी फीचर्स के बारे में। सो गाइज यहाँ पे आपको जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो R32 देखने को मिल जाती है, और जो इसका कंडेंसर कॉयल है और जो हमारा कंडेंसर वो यहाँ पे कॉपर का देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मोड देखने को मिलता है 1.4 टन का और 1 टन का। बात करें यहाँ पे आपके इसकी फिल्ट्रेशन की, सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें आपको 3 तरह के फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, एंटी डस्ट, एंट्री माइक्रोबियल प्रोटेक्शन के साथ, और एक हमारा कैथिशिन फिल्टर वाला। और साथ के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा CO2 रिडक्शन फिल्टर। इसमें क्या होता है कि हमारे क्लोज रूम में जो CO2 का लेवल होता है उसको ये कम करता है और हमारी फ्रेश एयर को यहाँ पे इंक्रीज करता है। और गाइस में आपको सेल्फ डायग्नोसिस मोड, ऑटो रिस्टार्ट, स्लीप मोड देखने को मिल जाएगा, टर्बो मोड मिल जाएगा, यहाँ पे डुअल टेम्परेचर का डिस्प्ले मिलेगी, और यहाँ पे जो हमारा इवेपोरेटर में फिन होता है यहाँ तक कि वो भी ब्लू फिन देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा, बट फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्टेबिलाइजर लगवा लें, क्योंकि इसमें आपको PCB की वारंटी देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे AC के प्रोज एंड कॉन्स की सेक्शन की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रोज की एंड कॉन्स की। तो बात करें यहाँ पे प्रोज की, तो यहाँ पे हमारा ये इंडियन ब्रांड है, वेल नोन, यहाँ पे हमारा लंबे समय से चलते आ रहा है AC के मामले में, और ये रिलायबल है काफी। बात करें यहाँ पे दूसरा प्रोज जो मुझे लगा है कि इसकी सर्विस की अवेलेबिलिटी आपको हर जगह देखने को इजिली मिल जाती है, चाहे वो यहाँ पे रूरल एरिया या गांव दराज के एरिया में देखने को अक्सर मिल जाती है। अब बात करें यहाँ पे जो तीसरा प्रॉब्लम मुझे इसका लगा है कि बजट में आपको एक बढ़िया AC मिल जाता है, जैसा कि आपने देखा कि 40,000 के आसपास यहाँ पे आपको 1.5 टन का 5-स्टार रेटिंग वाला AC देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कॉन्स की, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रोडक्ट अपने एडवांटेज के साथ साथ लाता है कुछ ना कुछ कॉन्स, सो हम उसको पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। सो अब बात करते हैं इसके कॉन की। जो मुझे पहला कॉन यहाँ पे लगा है कि इसमें कोई भी आपको वाईफाई कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो कॉन यहाँ पे मुझे लगा है कि इसमें जो हमारी नॉइज लेवल है 46 डेसिबल है, सो थोड़ी ज्यादा मुझे लगी है स्प्लिट AC के मुकाबले में, बट यहाँ पे उसको ज्यादातर लोग आराम से इग्नोर कर सकते हैं, बट मुझे ये लगा, सो मैंने ये आपके सामने लाने की कोशिश करी है। और जो यहाँ पे मुझे तीसरा कॉन लगा है कि इसमें आपको 4-way swing का फीचर देखने को नहीं मिलता है। सो ये भी इतना ज्यादा बड़ा कॉन नहीं है, बट मुझे लगा जो मुझे कमी लगी वो मैंने बताया। किसी किसी को लगता है कि 4-way swing किसी किसी बंदों को जरूर चाहिए होता है, सो इसमें आपको वो 4-way swing का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और गाइज यहाँ पे मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मतलब एक दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ही सेम प्राइस में मिलेगा आपको यहाँ पे 40,000 के अराउंड, और उसका मॉडल नंबर होगा यहाँ पे 185V CZR करके। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि कभी कभार यहाँ पे हमारा ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, सो सेम वहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगी। 95% यहाँ पे सेम चीज है उसमें, बस एक मॉडल नंबर का फर्क है, और 5% जो हमारे नॉर्मल कस्टमर के लिए इतना ज्यादा वेटर नहीं करता है। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और वो हमारा जो AC रिलीज हुआ था वो 2021 के सेकेंड हाफ में रिलीज हुआ था, सो आप उसको थोड़ा लेटेस्ट मॉडल भी समझ सकते हो। सो आप वो भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, दोनों ही मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा। अगर आप वोल्टास का AC लेना चाह रहे हो 1.5 टन का 5-स्टार रेटिंग के साथ 40,000 के बजट में, तो गाइस ये तो चीज होगी कि हमारे 40,000 के बजट में अगर आपका बजट यहाँ पे 40,000 का है, तो आप ये वोल्टास के साथ जरूर जा सकते हो, एक आपको बढ़िया AC मिल जाता है बजट के अंदर। अगर आपको यहाँ पे कूलिंग बढ़िया चाहिए, इतने ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, सो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट AC हो सकता है। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी और थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।